श्रीलंका रे संकट जारी सामना को आसला राष्ट्रपति भवन रे प्रदर्शनकारी टंका गणुथिबार वीडियो मिलिथिबा 2 कोटी टंका सेना निकट रे कले जमा लाइब्रेरी रु बही बही नेउथिबार वीडियो वायरल चाप परे बुधवार राष्ट्रपति पदरु इस्तफा देबे गोटाबाय स्कूल को गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रवेश कटकणा प्रसंग वेब मीडिया को दोष देले गणशिक्षा मंत्री कहले अनावश्यक भाव स्कूल को प्रवेश करी पाठपढ़ा करुछन्ते हस्तक्षेप निंदा कले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी और कांग्रेस विधायक सुर राउतराय रुचिका महांती आत्महत्या घटना बीजेपी कॉलेज छात्री निवास से पहुंचले स्पेशल टीम मनस्तत्वविद को नहीं हॉस्टेल पहुंचला पुलिस अंतेवासी को मनस्तत्वविद प्राप्ति प्रधान पुलिस मिसी कर पचराउचरा नवरंगपुर उमरकोट में चांचल्य क्रीड़ा शिक्षयत्री तनुजा विश्वास का आत्महत्या को नहीं बढ़ुची रहस्य सुइसाइड नोट जबत हेले मृत्युर कारण स्पष्ट मोबाइल रु खोलिपे गुमर टिकटक शिक्षयत्री नारे थिले परिचित आज राजाधिराजों सुनावेश दुई वर्ष पर सिंहद्वार सम्मुखें रथारूढ़ श्री विग्रह को सुनावेश दर्शन करे श्रद्धा अपराह्न पांचटे आरंभ हो सुनावेश श्री विग्रह पाखे लगे 138 प्रकार अलंकार राज्य में बढ़ुच्च दैनिक संक्रमण 24 घंटे 576 आक्रांत चिन्हट चिंता बढ़ाऊ खोर्धा कटक देश में दिनक 18,257 पजिट 42 मृत श्रीलंकार आर्थिक संकट जारी रही प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में पशिंट जो वीडियो वायरल होई कोटी कोटी नगद टंका तांक हाथ में लगी पाखापाखी 2 कोटी टंका प्रदर्शनकारी को मिलिथिबा कहा राष्ट्रपति भवन भितरे प्रदर्शनकारी टंका गणुथिबार वीडियो एबे वायरल होबारे लगी श्रीलंका राष्ट्रपति भवन रे प्रदर्शनकारी हाथ में लगला कोटी कोटी नगद टंका पाखापाखी 2 कोटी टंका प्रदर्शनकारी को मिलिथिबा कहा राष्ट्रपति भवन भितरे प्रदर्शनकारी टंका गणुथिबार वीडियो एबे वायरल होबारे लगी सबुठ बड़ कथा हेउछि टंका हाथ में लगवा पर सचोटता देखाई प्रदर्शनकारी श्रीलंका न्यूजपेपर डेली मिरर रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रपति भवन मिलिथिला 2 कोटी टंका प्रदर्शनकारी सेना निकट रे एहाकु जमा करिछन्ति गतकाली राष्ट्रपति भवन को कब्जा करिथिले प्रदर्शनकारी एहा परे प्रदर्शनकारी को अनेक वीडियो सामना को आसिछि सांघातिक आर्थिक स्थिति भितर देश गति करथवा बळे राष्ट्रपति भवन रे प्रदर्शनकारी टंका गणुथिबार वीडियो एबे बेस चर्चार विषय होइछि सुरक्षा अधिकारी सूचना अनुसार तदंत पर यह अधिक तथ्य मिल पार श्रीलंका राष्ट्रपति भवन रे प्रदर्शनकारी हाथ में लगी नगद कोटी कोटी टंका पाखापाखी 2 कोटी टंका प्रदर्शनकारी को मिलता कहु राष्ट्रपति भवन भितर प्रदर्शनकारी टंका गणुथिबार वीडियो वायरल एवं सबुठ बड़ कथा हाथ में टंका गणुंट कि सचेतता देखाई प्रदर्शनकारी जमा टंका सेना हाथ में देखते गतका राष्ट्रपति भवन को कब्जा करते प्रदर्शनकारी यापर प्रदर्शनकारी अनेक वीडियो सामना को आसी सांघातिक आर्थिक संकट भितर बुड़ा देश वर्तमान राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी जेबे विक्षोभ करुँचंती दृश्य देखा मिली से पुलापुला टंका पाई किंतु ये टंका गणुवा पर सेना को यह टंका देदेइछंती सुरक्षा अधिकारी सूचना अनुसार तदंत पर यह अधिक तथ्य हासिल हो पार सेपटे श्रीलंकार राष्ट्रपति भवन आउ एक दृश्य मध्य सामना को आसी राष्ट्रपति भवन रे लाइब्रेरी को जाइछंती एवं बही बोई नेउछंती राष्ट्रपति भवन रे थिबा लाइब्रेरी रु बही बोही नेउछंती प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी रु बही नेबापाई लोकंक लंबा लाइन लगी राष्ट्रपति भवन लाइब्रेरी लोकंक लंबा लाइन लगी धाड़ी छिड़ा हो लोके बही नेउछंती गतकाली ठारु राष्ट्रपति भवन को कब्जा करिछंती प्रदर्शनकारी एबे भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन रे रहिछंती राष्ट्रपति भवन रे विभिन्न सामग्री उपरे निजरो कब्जा जमाइछंती जेउठारे बड़ बड़ वीवीआईपी रहुथिले सेठारे एबे साधारण लोक निजरो आधिपत्य जाहिर करिछंती श्रीलंका राष्ट्रपति भवन रो आउ एक दृश्य आसी सामना को राष्ट्रपति भवन रे थिबा लाइब्रेरी रु पुस्तकालय रु बही बही नेउछंती प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी रु बही नेबापाई लोकंक लंबा लाइन लगी राष्ट्रपति भवन लाइब्रेरी रु लोक लंबा लाइन लगेछंती धाड़ी छिड़ा हो लोके बही नेउछंती गतकाली ठारु राष्ट्रपति भवन को कब्जा करिछंती प्रदर्शनकारी एबे भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन बाहर रहिछंती
राष्ट्रपति भवन में विभिन्न सामग्री पर निजर कब्जा जमाई जोठार आगु वीआईपी रोते बर्तमान साधारण लोकों से आधिपत्य देखा मिलूँ। गोटाबाया इस्तफा पर वर्तमान हजार हजार लोक ये वर्तमान रुंड होती जो भाई देखा मिली राष्ट्रपति भवन में विभिन्न दृश्य कौटी डाइनिंग हल बस तो कौट स्विमिंग पुल रही। गोटाबाया इस्तफा दावी कर हजार हजार लोक राष्ट्रपति भवन को घेरवास राष्ट्रपति भवन में पशि हंगामा कर राष्ट्रपति भवन परिसर में खावास सेठे स्विमिंग पुल गाधोते पर राष्ट्रपति बेडरूम और किचेन में बसी रोषे घरे जहाँ था सब खाइबारे लगी बेडरूम रे सोई सेमाने सेल्फी नहीं थे एपरिक राष्ट्रपति जिम रे पसी वर्कआउट करते विक्षोभकारी। गोटाबाया इस्तफा पर हजार हजार लोक राष्ट्रपति भवन को घेरवास राष्ट्रपति भवन में पशि हंगामा कर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे केउठारे अछन्ति ताहा एपर्यंत स्पष्ट होइनाही। सेपटे राष्ट्रपति भवन को घेरी साधारण लोक विक्षोभकारी घेरी राष्ट्रपति भवन में पशि हंगामा कर विभिन्न दृश्य सामना को राष्ट्रपति भवन परिसर में डाइनिंग रूम में पशि से खावास स्विमिंग पुल गाधोते परे परे से राष्ट्रपति बेडरूम में पसते सेल्फी नहीं थे किचेन में पसते रोषे घर जहाँ था सब खाई बेडरूम में सोई से सेल्फी भी नहीं थे एपरिक राष्ट्रपति जिम रे पशि से वर्कआउट भी करते जो दृश्य वर्तमान वायरल होबार लगी। राष्ट्रपति भवन में देखिपार श्रीलंकार जो आर्थिक स्थिति लगी रही समय राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष इस्तफा दे बुधवार को से इस्तफा देवे किंतु वर्तमान से केउठी होछन्ति ताहा स्पष्ट होइना ही। सही समय देखा मिली जे साधारण लोक वर्तमान राष्ट्रपति भवन में पसछन्ति विक्षोभकारी माने जो रही देशर से माने राष्ट्रपति भवन में पहुँची जो जगह केवे वीआईपी रहुथिले वर्तमान साधारण लोकंकर आधिपत्य देखा मिली जो वर्तमान भिड़ देखुं साधारण जनता भिड़ रही विक्षोभ कर राष्ट्रपति भवन को घेरी राष्ट्रपति भवन भितर पशि हंगामा कर विभिन्न जिनस जहाँ रही देखुं उपभोग कर तार मजा नौकरचेन में बस खाऊँ स्विमिंग पुल पशि से गाधोच्च जिम जाकि जिम्रे वर्कआउट कर वीडियो आप जिम्रे पशुंट शह शह लोक जिम्रे वर्कआउट कर जो वीडियो वायरल हो स्कूल को गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रवेश कटकणा प्रसंग नहीं गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास प्रतिक्रिया रखिंट विभिन्न स्थान में अनावश्यक प्रवेश गणमाध्यम को स्कूल प्रवेश बारण करईओ मैंने चिठी जारी कर नजर को आसीस मंत्री कहते स्वीकृतिप्राप्त किसी गणमाध्यम रही बाद अनेक वेब चैनल अच्छा एमाने अनावश्यक भाव स्कूल रे पसी पाठ पढ़ा हस्तक्षेप कर गणमाध्यम ना पिला और शिक्षक को हैरान करने अनुचित विभाग दोष दुर्बलता को लुचाईवाई एपरी अंकुश लग जा प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहते व्यवस्था भितर काम होभव ता गणशिक्षा विभाग स्कूल गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रवेश पर रोक लगे जदि कहीं बारण सत्वे क्यमेरा बुम धरी स्कूल को जिबे विरोध में स्थानीय थाना एफआईआर देवा कई एने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पक्ष निर्देशनामा जारी करा निर्देशनामा को आगामी दिन में समस्त विद्यालय पालन करने को कड़ाकड़ी पालन करने को निर्देश देती विभाग किछिदिन पूर्व गणमाध्यम प्रतिनिधि ढेंकानाल जिला जयपुरा काटणी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय भितर को प्रवेश करते शिक्षक और छात्र छात्री को पाठपढ़ा नहीं प्रश्न पचारिथिले छात्र छात्री माने अधिकांश प्रश्नर उत्तर देता बेले शिक्षक माने साधारण प्रश्नर उत्तर देवा सक्षम हो पार नथिले। हाँ एमती किसी बीओ मानक कथा कि देखी आप देखो विभिन्न जगार किसी जगार अनावश्यक भाव में चर्चा जो होती जो जो कथगुड़ी गणमाध्यम आप देखी थे तेनाली भाव में इनसीडेन्ट जिते किसी घटना घटी मुझ देखी मो नजर को आसी किसी बीओ घटना होपर भाव में चिठी काढ़ी बीओ मैंने काढ़ी गोटे गोटे जगार ये कथगुड़ी मोर नजर को आसी मुझ आशा करी अनुरोध करी जे निश्चित भाव में वी मस्ट कोऑपरेट फॉर दिस आम तो
जहाँ आवश्यकता अच्छी जहाँ समस्या अच्छी गणमाध्यम अधिकार अच्छी सब कथा गुड़िक नजर को आने किंतु केते गुड़े जगार गणमाध्यम भूमिका अनावश्यक ठार अति तेरु से कथा को आधार कर किसी किसी घटना विभिन्न जगह जेहेतु घटी से पुणे अकॉर्डिंगली स्थानीय क्षेत्र में किसी बीओ मैंने चिठी करवा मो नजर को आशा करी इतने गणमाध्यम बंधु मैंने आम समस्त सहयोग करवा ये आम विभाग को माननीय मुख्यमंत्री निर्देश में फोकस अच्छा आपण मैंने जानते 5G सेक्रेटरी स्वतंत्र भाव में विभाग को घटना माननीय मुख्यमंत्री निर्देश में सीएमओं तरफ 5G सेक्रेटरी आम विभाग को स्वतंत्र भाव में तदारख देखुं घटना किपर भाव में कार्यक्रम जारी रहा तेनाली से दृष्टिकोण विभाग निश्चित भाव में चलचंचल अच्छी शिक्षक मैंने समस्त अधिकारी मैंने कार्यरत अच्छा से समय समस्त आम सहयोग लड़ुचु निर्दिष्ट भाव में गणमाध्यम को घटना आमर से किसी कथ ना गणमाध्यम सहयोग आम अनेक समय पाइं आज दिन में पाच से आम अनुरोध करूँ स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन है अलग कथा कितु गणमाध्यम ना एपरी भाव में शिक्षक मान पानेपर भाव में टर्चर करवा उचित नुहे जो स्कूल को गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रवेश कटकणा नहीं यहाँ पर प्रतिक्रिया रखिंट भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी कहते यह प्रत्याहर कराऊं सांबादिकंकु स्कूल भितर को पशिया को नदे एक हास्यास्पद घटना गणमाध्यम प्रतिनिधि स्कूल को बारण कर तुरंत प्रत्याहर करने को दावी कर सांसद अपराजिता षडंगी कहते सांबादिकंकु स्कूल हत्या को पशिया को नदे एक हास्यास्पद घटना वीडियो माने जे चिट्ठी लिखी सेटा भी मो हाथ को आसी ना डीओ चिट्ठी परे वीडियो माने भी लिखिं डीओ चिट्ठी को आधार करके हास्यास्पद कथा अरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे कौन हो कौन नहीं जदि भूल ताले निश्चित भाव आम संवादिक बंधु मान से जबजाट से कम से ड्यूटी कर्तव्य आसी जगह को जाकि कौन सी कथा को कवर करीबा तांकर अधिकार तो मु भावुची एटा न करा जाओ एटा मु भावुची जो गणतांत्रिक पद्धति रे एटा गोटे प्रकार बाधा सृष्टि करा होची आउ जे स्कूल आमे मोर मने पड़ुची आमे जत्ते बड़े मु शिक्षा सचिव थिली सत्ते बड़े गोटे नो पनिशमेंट जोन करा हितला अब आमे कहिथुलु जे हमरा संवाददाता माने जानतु कौन सी जगह रे जदि नो पनिशमेंट जोन को वायलेट कराऊँ उल्लंघन कराऊँ ताले आमको कवर करंतु आमको जनांतु मु भावुछि एटा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऑर्डर एटा विड्रॉ करा जीवा कथा गणमाध्यम प्रतिनिधि को स्कूल जीवा को बारण करिबा प्रसंग उपरे कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय प्रतिक्रिया दे कहिछन्ति राज्य सरकार को एभली निष्पत्ति निंदनीय गणमाध्यम उपरे गोटी परे गोटी रोक लगाई चालछन्ति राज्य सरकार सरकार को दुर्नीति चपाइवाई गणमाध्यम उपरे एपरी पदक्षेप नेउछन्ति बोली से अभियोग करछन् विधानसभा बंद कर दल सचिवालय बंद मेडिकल कटक मेडिकल बंद स्कूल बंद कर दल कल ढेकाना गोटे स्कूल को बंद कर दे स्कूल को जब मीडिया मैंने तेल आउ कौन ये गीत गाइबे ये गच्छ मूल तपस्या करे ये प्रहसन छाड़ नवीन बाबू मीडिया मान को फेल दि तुमको बचे रखिंट जदि किए मीडिया तेणु से मानक आलाउ कर सचिवालय आलाउ कर असेंबली आलाउ कर पब्लिक प्लेस जो प्रोग्राम हो स्कूल कॉलेज सब टी आलाउ कर मोर आपन को विनम्र भाव निवेदन आज राजाधिराज सुनावेश तीन ठाकुर को आज दर्शन करेंगे भक्त सुनावेश देखिए एवं तीन ठाकुर आज रथ उपर सुनावेश भक्त को दर्शन देवे तेणु जनसमुद्र पलट बड़दाण्ड दुई वर्ष पर स्वचक्षुरे सिंहद्वार सम्मुखें रथारूढ़ श्री विग्रह को सुनावेश दर्शन करेंगे श्रद्धा मध्याह धूप पर अनुषित हो महाबाहूं दुर्लभ बेश श्रीमंदिर पक्षर एने नीति निर्घंट होपराह पांचटे सुनावेश आरंभ हो श्रीविग्रह 138 प्रकार अलंकार लगे बेसरे थाई श्रीविग्रह संध्या आलती और संध्या धूप चढ़ राति 10:00 to 11:00 मध्य ठाकुर बेश ओलागे गत काली हजार हजार भक्त टाणी हो गुंडीचा मंदिर महाबाहूं को आनी बड़दाण्डे छाड़ी हरिबोल हुड़ुहुड़ी ध्वनि भितर गढ़ी बड़ ठाकुर रथ
ପରେ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଓ ପରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ହେଲେ ବାଟରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ ଖଟିଆ ଠାକୁର। ସେଠାରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଭୋଗ ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପିଠା ଖାଇବା ପରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ରହିଛି ସୁନାବେଶ, କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସେସବୁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କୁହାଯାଏ କି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲେ ବା ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ସେ ହେଲେ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତବର୍ମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକିଞ୍ଚନ ଦାସ ଭାବରେ ବା ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମକାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ରାଜାର ବାକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସିଏ ପୁରା ତ୍ରିଭୁବନର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମନେ କରି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନରେଶ ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଗବେଷକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁନାବେଶ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସୁନାବେଶ କାହିଁକି ରଥରେ ହିଁ ହୁଏ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ କେତେଥର ବର୍ଷରେ ସୁନାବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାରିଥର ହେଉଛି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ହେଉଛି ବାହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଥର ଭିତରେ ହୁଏ, ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଏଇ ଚାରିଥର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବା ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ଏହି ବେଶଟି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ହୁଏ, ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର ରୂପ, ସେ ପତିତ ପାବନ ସେ ରୂପ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କହିପାରିବା କି ସେହି ସବୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରରେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଏଇ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା କହିଲେ ଜବନ ହରିଦାସ, ଜବନ ସାଲବେଗ, ଏମିତି ଅନେକ ଜବନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ବାହାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସିଏ ପୁରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ କି? ସିଏ ସାରା ଜଗତର, ସାରା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଜାତି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଥାଉନା କାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି।
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଏଇ ବେଶଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ, ସେଇ ଅଲୌକିକ, ସେଇ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କେତେ ଯେ ସାଲବେଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାହାରିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ସତେଇଶ ରେଣ କନକ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଲଣ୍ଡନରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ଲଣ୍ଡନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଜନ ଜଣାଣ ନାଚଗୀତ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ।